Friends, so I welcome you all on the platform of Wisdom ESE and GATE. So today let's start a discussion on UPPSC Assistant Engineer 2013 paper. So I will begin the new session with the subject surveying. So before start the subjects, I hope you all will be in good spirit, enjoying this lockdown moments. Even the lockdown has been turned into lockdown unlockdown 4. So I hope जो आप जैसा सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया है कि जो नीट और जेई की एग्जामिनेशन है वो ऑन द डेट होगी. सो वी आर होपिंग दैट द पेपर ऑफ यूपीपीएससी विल बी आल्सो ऑन द डेट, द सेम डेट दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय यूपीपीएससी. सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू सेशन, दैट इज यूपीपीएससी थीमेटिक सीरीज पार्ट 1 ऑन सर्वेइंग. सो टुडे वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज the station which is selected close to the, what is close to the main triangulation station to avoid intervening obstruction is known as satellite station, false station, supplementary station and pivot station. So this question belongs to chapter triangulation. So triangulation, as we know, that is the framework of and it consists of triangles. There are three types of generic triangulation: primary triangulation, secondary triangulation and tertiary triangulation. So the answer is satellite station. Why answer is satellite station? And why this is satellite station? Why this is satellite station? Let's come to the conceptual background. So satellite stations are the stations which are close to the main triangulation stations. So satellite stations are the stations which are selected close to the main triangulation station to avoid intervening obstruction. Remember, satellite station is also known as eccentric station or false station. Three names are pronounced for a single station: satellite station, eccentric station or false stations. So now let's come to the point, what is supplementary station? See, supplementary station, naam hi hai kya, supplementary matlab kya hua, supplementary matlab kya hua, aap kahin jaate hain koi restaurant mein kya bolte hain, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, उसके स्टिक अपोजिट क्या है, सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री सबसे पहले हर समय क्या होता है, परमानेंटली मार्क. क्या होता है, परमानेंटली मार्क. तो पहला पॉइंट परमानेंटली मार्क. और एक बात ध्यान रखिएगा, सेटेलाइट स्टेशंस का मेड विद द सेम provision or accuracy as main station. मैं अभी फिगर से बताऊंगा कि क्या होता है सेटेलाइट स्टेशन. मतलब कभी कभी आपका क्लोज ट्रायंगुलेशन स्टेशन है और आप कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण क्या है कि आप उसको उस स्टेशन को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. अब जैसे हम फिगर में देखते हैं,
अब देखिए यहाँ आपका ए जो है, बी है, सी है, डी है, ई है और एच और जे क्या है, ये आपका ए बी सी डी ई आई जे एच क्या है, मेन स्टेशन है, क्या हमारा मेन स्टेशन है। डेट मीन्स जो ट्रायंगुलेशन के नेटवर्क को फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं मेन स्टेशन, क्या बोलते हैं मेन स्टेशन। और आपका या ये जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको हम क्या कर रहे हैं कि शिफ्ट कर दे रहे हैं जी डैश पे, और यही हमारा क्या हो जाएगा सेटेलाइट स्टेशन, ताकि जी डैश से हमारा ये क्लियर विजिबिलिटी है, ई क्लियर विजिबिलिटी है, आई क्लियर विजिबिलिटी और एफ बी क्लियर विजिबिलिटी है। गॉट इट। अब हम आते हैं, ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट्री स्टेशन जो है जिसका एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो होता है वो हर समय प्रिंसिपल स्टेशन से कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि सप्लीमेंट्री स्टेशन कभी भी सर्वे का बेस के तौर पे सर्व नहीं करता है। जैसे आप चेन सर्वे में पढ़े होंगे चेक लाइन, जैसे हम लोग वहाँ पढ़ते हैं मेन लाइन, टाई लाइन, चेक लाइन। तो चेक लाइन क्या होता है, इट चेक्स द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क डेट हैज बीन प्लॉटेड बट इट इज नेवर प्लॉटेड ऑन द फील्ड। द सेम वे द सप्लीमेंट्री स्टेशन नेवर सर्व एज बेसिस फॉर फ्रॉम विच एक्सटेंसिव सर्वे आर रन। ठीक है, और इसका यूज देखिए सप्लीमेंट्री स्टेशन का, द सप्लीमेंट्री स्टेशन आर फॉर द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग द मेन स्कीम विथ स्टेशन डैट कैन नॉट बी इफेक्टिवली रीच फ्रॉम द स्टेशन ऑफ द मेन स्कीम। ओके, मतलब हम लोग जब मेन स्कीम मतलब यहाँ स्टेशन के बाद बोल रहा है, तो मेन स्टेशन को हम लोग कनेक्ट करते हैं विथ अदर स्टेशन। ओके, वेन दैट मेन स्टेशन आर अनेबल टू कनेक्ट विथ दैट अदर स्टेशन। अब आता है इंपॉर्टेंट पाइवोट स्टेशन। पाइवोट स्टेशन पे कभी भी कोई ऑब्जर्वेशन मेड नहीं होता है। ठीक है, बस यहाँ जो एंगल्स यूज होता है वो कॉन्टिन्यूटी के लिए यूज करते हैं, ताकि ट्रायंगुलेशन सीरीज जो हमारा बना है, ये ट्रायंगुलेशन सीरीज जो बन रहा है इसका कॉन्टिन्यूटी हो सके। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे फिगर में, आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारा जो है एफ क्या है हमारा पाइवोट स्टेशन, क्या हमारा पाइवोट स्टेशन है। गॉट इट। नेक्स्ट आता है मेन स्टेशन जो मैंने बता दिया। अब क्या सब मेन स्टेशन मैंने बता दिया, अब क्या सब्सिडियरी स्टेशन। सब्सिडियरी स्टेशन आर यूज्ड ओनली टू प्रोवाइड एडिशनल रे, क्या ओनली टू प्रोवाइड एडिशनल रे टू इंटरसेक्टेड पॉइंट्स। तो यहां हमारा ये और ये दोनों क्या हमारा सब्सिडियरी स्टेशन। और ध्यान रखिएगा सेटेलाइट स्टेशन में हम लोग 30 यूज करते हैं, मतलब अगर आपका यहाँ 60 पे 0 है, गॉट इट, तो हमारा 240 पे हम लोग मानेंगे कि 180 है। डेट मीन्स अगर हम 60 टू 180 होता है हमारा 180 डिग्री का डिफरेंस, तो अगर यहाँ 0 के जगह पे 60 लिख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे 240। और मेन स्टेशंस में ऑलवेज ऑब्जर्वेशंस आर मेड विथ 2 ओनली। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विथ 2 ओनली। रिमेंबर ऑब्जर्वेशंस यहाँ 2 से हम लोग क्या करते हैं मेजर करते हैं, और सेटेलाइट में 30 ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है 30 एंड 20। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम लिनियर मेजरमेंट, दैट इज फ्रॉम लिनियर मेजरमेंट। गॉट इट। सो अ टेप ऑफ लेंथ एल एंड वेट ए डब्ल्यू के जी पर मीटर इज सस्पेंडेड एट इट्स एंड्स विथ ए पूल ऑफ पी के जी। सो द सैग करेक्शन, मतलब आपका कभी होता है क्या कि अगर आप दो रोप को टाइट नहीं अगर पकड़े हैं तो एक क्या करेगा, एक सैग बना लेगा, एक शैगिंग स्ट्रक्चर बना, बाउल टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसका बाउल मतलब कनकेविटी क्या है, अपवर्ड्स है।
तो एक्चुअली वो हम लोग एज्यूम करते हैं पैराबोला, कि पैराबोला से अभी प्रूफ करेंगे पैराबोला है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कैटेनरी शेप होता है। क्या होता है? कैटेनरी शेप होता है। और सैक ऑब्वियसली से बात है कि आपका ये जो है हमारा एल है, और आपका ये L1 है, दिस इज द सैग लेंथ, दिस इज द एक्चुअल लेंथ, दिस इज द एक्चुअल लेंथ। तो ऑब्वियसली बात है, इसको मैं थोड़ा सा पॉइंटेड कर दूं, क्या देख रहे हैं कि एल लेस देन एल वन। जब आपका एल लेस देन एल वन है तो एल एल क्या है हमारा एक्चुअल लेंथ, और ये क्या है हमारा मेजर्ड लेंथ। क्या है? मेजर्ड लेंथ। तो हम देख रहे हैं कि सैग करेक्शन इज ऑलवेज ऑलवेज निगेटिव। सैग करेक्शन क्या है हमारा? ऑलवेज निगेटिव है, ध्यान रखिएगा। सैग करेक्शन क्या है हमारा? ऑलवेज निगेटिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए इसका हम लोग, इसका क्या होगा हमारा, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन 24 P² डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन 24 P². तो डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन 24 P², तो फर्स्ट ऑप्शन। इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो मान लीजिए लेट ए एंड बी आर टू सपोर्ट्स, लेट ए एंड बी आर टू सपोर्ट्स एट सेम लेवल, एट और एल जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स है, वाई है टोटल डीप एट द सेंटर ऑफ टेप। ऑलराइट, अब देखिए हम लोग क्या मानते हैं कि सी और डी एक पोर्शन मानते हैं। लेट्स टेक ए पोर्शन ऑफ द टेप मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। सो लेट्स टेक ए पोर्शन ऑफ द टेप मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, कहां से? सी से। गॉट इट? तो हमारा जो ये जो दिख रहा है, ये फिगर, इस पे फोर्सेज कौन कौन सा है? फोर्सेज और इस सी यू कितना मान लिए, सी यू कितना, सी डी कितना मान लिए, एक्स मान लिए। तो लेट्स टेक ए पोर्शन सी डी ऑफ द टेप मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर सी, मेजर्ड फ्रॉम सेंटर सी। गॉट इट? अब हम क्या देख रहे हैं कि अब जो थ्री फोर्सेज है
सीडी पे वो कौन कौन सा है, एच ए हॉरिजॉन्टल पुल, पी वन ए पुल टेंजेंशियल। अब देखिए कैसे, यहां से एक हमारा एक हॉरिजॉन्टल पुल, यहां से हमारा एक टेंजेंशियल पुल, और इस पे जो हमारा वेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, गॉट इट। और ये जो हमारा पोर्शन है सीडी, इस ये सीडी का आर्क कितना छोटा है, क्योंकि जो सीडी का आर्क है इसको हम लोग प्रोजेक्टेड लेंथ जो हॉरिजॉन्टल है उसके बराबर अज्यूम कर लिए, एज द आर्क इज वेरी स्मॉल, गॉट इट। तो पुल टेंजेंशियल एट डी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारा, डब्ल्यू वेट ऑफ द टेप पोर्शन बिटवीन सी एंड डी। तो सी डी को हमने क्या मान लिया, एक्स प्रोजेक्टेड लेंथ, एज द सैग इज वेरी स्मॉल। तो हम देख रहे हैं कि वेट ऑफ पोर्शन सी डी, सी ए क्या होगा, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ है तो एक्स इंटू एक्स लेंथ के लिए क्या होगा, डब्ल्यू एक्स। अब देखिए हम आपका डब्ल्यू जो है वो क्या है, वेट ऑफ द टेप पर मीटर लेंथ ऑफ द टेप। तो आप देखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि तीनों फोर्स का इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट करे, क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब ये जो आपका H फोर्स है, ये जो P फोर्स है, ऊपर से जो W फोर्स आ रहा है, तीनों कहाँ मीट करे, कहाँ मीट करे, तीनों E पे, कहाँ मीट करे, E पे, E पे मीट करे, नो, कहाँ, ये H है, ये P है, और ये क्या है हमारा G, और ये हमारा Y। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए तीनों कहाँ मीट करे, G पे, और G क्या हो, जी जो हमारा मीड ऑफ क्या हो, सी। इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, इस तरह से क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है फिगर को। तो फॉर एन इक्विलिब्रियम थ्री फोर्सेज must pass through a point, that is H, and P1 must meet at G, a point vertically below F, a point vertically below F। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा तीनों फोर्स क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए तीनों फोर्स, तब जगह क्या होगा, उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारा एग्जिस्ट करेगा, गॉट इट। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं क्या कि हमारा जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, जी ई और पी, क्लियर है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहां से कंस्ट्रक्शन करेंगे ट्रायंगल बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से
draw D parallel to FG to meet CG produced at E. In triangle GED, जो ट्रायंगल हमारा जी ई और डी है, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपका जी ई और डी, ये डी यहां नहीं होगा, डी यहां होगा। जीई डी में, ट्रायंगल जीई डी में। अब ट्रायंगल जीई डी में हमने क्या किया कि हम यहां लगाएंगे ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो आपका अब हम क्या देख रहे हैं, ऊपर से जो ऊपर से फोर्स आ रहा है, जो ऊपर से फोर्स आ रहा है डिवाइड बाय डी, फिर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है डिवाइड बाय जी, और जो पी फोर्स आ रहा है डिवाइड बाय जीडी, मतलब फोर्स अपॉन लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए प्रॉपर्टी से। तो हम क्या देख रहे हैं, डब्ल्यू एक्स अपॉन वाई स्मॉल वाई पी वन अपॉन, हमको हमने उसको y मान लिया है, डी को x का g हमारा क्या हाफ है, x बाई टू प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन x बाई टू, ठीक है। तो अब देखिए हमारा h जो आया हमारा, और आप x बाई टू का होल स्क्वायर है, तो हमने यहाँ d को क्या माना, y माना। इसका मतलब कि जब x इज इक्वल टू एल बाई टू है, कहाँ, एट सपोर्ट्स पे, एट सपोर्ट्स पे, तो ऑब्वियसली सी बात है y क्या है, कैपिटल y। कैसे, फिगर में देखते हैं, हमने इसको यहाँ ओरिजिन मान लिया, तो आपका इस डिस्टेंस पे ये जो हमारा डिस्टेंस है और ये x है, तो अगर आप यह x को, इस x को अगर l बाई टू मानिएगा, तो ये लेवल कितना होगा, इस y के बराबर होगा, इस y क्या आएगा, बराबर ही आएगा ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू एल बाई टू एट सपोर्ट्स y इज इक्वल टू y, तो p जो होगा, p1 जो फोर्स है हमारा, वो किसके बराबर होगा, p को। अब p को हमने क्या माना है, द पुल अप्लाइड विथ ए स्प्रिंग बैलेंस, द पुल अप्लाइड विथ ए स्प्रिंग बैलेंस। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्त, कि डब्ल्यू एल बाई टू इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एल अपॉन फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स अपॉन एल बाई टू का होल स्क्वायर, एल बाई टू अपॉन टू क्या, एल बाई फोर, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, h इज इक्वल टू ए डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन ए टू वाई, ये नहीं हमारा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन ए टू वाई। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्त, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ए टू वाई, ये क्या दे रहा है, पैराबोला, लेकिन ये अजम्पशन है कि कर्व जो हमारा प्रोजेक्शन x माने,
बस एक्चुअली क्या होता है, कैटनरी होता है। तो हम क्या करेंगे, एच का वैल्यू किस में रखेंगे, एच का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, एच का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो हमारा क्या बनेगा, डब्ल्यू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट एक्स वाई, वाई वाई कैंसल, ओके, ये वाई कैपिटल वाई है, ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका ये कैपिटल वाई है, मतलब जो डीप पैराबोला का डीप बोलेंगे। तो हमारा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई फोर इंटू वाई इंटू वाई, गॉट इट। और हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई, पैराबोला मतलब क्या बोलेंगे, तरह से लोकस बोलेंगे, और ये क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ हैंगिंग टेप। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में कैटनरी होता है, एक्चुअल में क्या होता है हमारा, कैटनरी होता है। अब देखिए, अब हमारा डब्ल्यू एक्स बाई आपका यहाँ डब्ल्यू एक्स बाई वाई आया था, तो हम इससे क्या प्रूफ किए कि हमारा पैराबोला है। तो पूछ सकता है कि जो हैंगिंग टेप है, हैंगिंग टेप में जो इक्वेशन होता है हमारा, वो इक्वेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका पैराबोला है, तो पैराबोला का लेंथ क्या होता है हमारा, लेंथ ऑफ द टेप फ्रॉम द सेंटर फॉर ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स, एल वन इज इक्वल टू जीरो से एक्स, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, तो हमारा टोटल लेंथ जो आएगा हमारा, वो इधर एल बाई टू, इधर एल बाई टू, टू जीरो से एल बाई टू, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वन बाई टू डी एक्स। अब ये जो आपका इक्वेशन और पैराबोला आया है, इससे हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, डी वाई बाई क्या निकाल लेंगे, डी एक्स निकाल लेंगे। तो हमारा ये जो इक्वेशन आएगा वो आएगा, इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो जीरो एल बाई जीरो एल बाई टू, जीरो एल बाई टू, वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वन बाई टू डी एक्स। तो हमारा टू जीरो से एल बाई टू, वन प्लस वन बाई टू फोर एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वन बाई एट फोर एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डॉट 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 डी एक्स। तो हमारा ये क्या आया, एल प्लस एल क्यू अपॉन सिक्स सी स्क्वायर अप्रॉक्स, ये हमारा क्या आया, एल आया, क्या आया हमारा, एल आया, मतलब इसको एल मतलब एल वन मान लीजिए लेंथ, क्योंकि हमारा टोटल लेंथ पूछ रहा है कहाँ, सैग वाला लेंथ, उसको ये हमारा क्या है, सैग लेंथ है, और ये एक्चुअल लेंथ जो हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। अब देखिए, तो आपका जब ये आपका एल वन इज इक्वल टू एल प्लस सी के जगह पे हम रख देंगे कहाँ, जो सी का वैल्यू हम निकाले थे, सी का वैल्यू क्या निकाले थे, यहाँ जो हमारा ये
सी है, इसके जगह पे हम सी का वैल्यू क्या निकाले थे, सी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू है ना एल स्क्वायर बाई फोर। अब जब इसको हम सी का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा एल क्यू इंटू फोर वाई स्क्वायर अपॉन सिक्स इंटू एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, एल प्लस एट वाई स्क्वायर अपॉन थ्री एल। गॉट इट? एल वन इज इक्वल टू एल प्लस एट वाई स्क्वायर अपॉन थ्री एल। क्लियर है ना? अब आपका पैराबोला जो है वो यहाँ कंपैरेटिवली क्या है, फ्लैट है। जब फ्लैट होगा तो ये एच और ये अप्रोक्स पी दोनों क्या मानेंगे, सेम। तो पी इज इक्वल टू क्या मानेंगे, एच। तो हमारा एच इज इक्वल टू क्या आ गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर जो अपॉन एट वाई निकाले थे वो किसके बराबर आएगा, पी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, पी के बराबर आएगा। जब पी के बराबर आएगा तो एल वन इज इक्वल टू एल प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर एल क्यू अपॉन ट्वेंटी फोर पी स्क्वायर। एल प्लस एल अपॉन ट्वेंटी फोर हमने रख दिया, पी का वैल्यू रख दिया, डब्ल्यू एल अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो एल प्लस एल वन माइनस एल इज इक्वल टू एल वन माइनस इज इक्वल टू एल अपॉन ट्वेंटी फोर डब्ल्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर। हमारा ये क्या है, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन, ये आपका स्मॉल डब्ल्यू है, ये जो हमारा टोटल लेंथ है ध्यान रखिएगा, और ये पर यूनिट लेंथ। ये क्या है, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन ट्वेंटी फोर पी स्क्वायर। ये इसका शॉर्टकट प्रूफ भी है। शॉर्टकट प्रूफ में क्या है कि ये हमारा क्या हैंगिंग है, ये आपका क्या है डब्ल्यू है, तो यहाँ का आप क्या निकाल लीजिए, आर ए निकाल लीजिए, और यहाँ का क्या निकाल लीजिए, आर बी। यहाँ अबाउट मोमेंट क्या कर दीजिए, जीरो निकाल लीजिए, उससे क्या निकल जाएगा, आर ए निकल जाएगा। आर ए निकलने के बाद वाई इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला फोर एक्स, मतलब ये हमारा क्या है, वाई मान लीजिए सेंट्रल डिप, फोर वाई एक्स एल माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर। और आपका क्या होता है, लेंथ ऑफ द पैराबोला अंडर रूट वन प्लस डीवाई अपॉन डी एस का होल स्क्वायर, उसको पुट कर दीजिए। लेकिन यहाँ आपको प्रूफ करना है, पहले हमने यहाँ प्रूफ किया कि इट इज पैराबोला, हमने यहाँ क्या किया, प्रूफ किया इट इज पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा वन और थीटा टू आर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकली हेल्ड रोप। ध्यान रखिएगा कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है सेम लेवल पर। आप सेम लेवल पर देखिएगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब आपका कि आपका ये रॉड है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि थीटा वन ए से टॉप एंड वर्टिकली हेल्ड रॉड ऑफ बी। ये हमारा बी है, ये क्या हमारा बी है, और ये हमारा ए। तो अब टॉप कितना है, टॉप का आपका थीटा वन है, टॉप कितना है थीटा वन, और ये आपका थीटा टू। अब बोल रहा है कि आपका रॉड का लेंथ क्या है, हमारा वर्टिकली हेल्ड रॉड ऑफ लेंथ एस एट बी, ये कितना है हमारा, ये एस है, ये कितना है एस। पूछ रहा है कि आपका, पूछ रहा है कि आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, ये पूछ रहा है कि
कि आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है। कुछ नहीं करना है, ट्रैक ट्रिगोनोमेट्री लगा देना है। तो हमारा इन ट्रायंगल, ये आपका ए यहाँ मान लिए, चलिए इसको ए डैश मान लेते हैं। तो ए डैश, बी डैश और ये सी मान लेते हैं। तो ए डैश, बी डैश और सी में टैन थीटा टू इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं हम लोग पी। तो एस प्लस पी अपॉन डी, टैन थीटा वन इज इक्वल टू, टैन थीटा वन, टैन थीटा टू इज इक्वल टू पी अपॉन डी। तो आपका टैन थीटा वन माइनस टैन थीटा टू इज इक्वल टू एस प्लस पी माइनस पी अपॉन डी, पी पी कैंसल, एस अपॉन डी। तो हम क्या देख रहे हैं कि डी इज इक्वल टू एस अपॉन टैन थीटा वन माइनस टैन थीटा टू। तो ध्यान रखिएगा कि इसका अब इतना टाइम नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव में करने का, सीधे आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका जो इंटरसेप्ट है उसको ऊपर रखिए, जो बड़ा एंगल है उसका थीटा और छोटा एंगल उसका थीटा क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर लिखिए, डायरेक्ट क्या लिखे, डायरेक्ट लिखिए, गॉट इट। अब नेक्स्ट है, द रेडियस ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व इज 300 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स, लेंथ ऑफ इट्स स्पेसिफाइड कॉर्ड इज 30 मीटर। ध्यान रखिएगा जो कॉर्ड होता है हम लोग उसको मेजर करते हैं एक जो कर्व होता है उस सर्कुलर कर्व उसको मेजर करते हैं ठीक है डिग्री से या कॉर्ड, डिग्री मतलब आर्क ठीक है, किससे आर्क से, आर्क और कॉर्ड। तो ध्यान रखिएगा 30 मीटर के लिए और 20 मीटर के लिए, इसका मतलब क्या होता समझिए। अब आपका ये सर्कुलर आर्क है और ये कॉर्ड है, तो अगर ये 20 मीटर है या 30 मीटर है, दोनों जो यहाँ एंगल सब्सटेंड करेगा सेंटर पे उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ द कॉर्ड। तो इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और अगर डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्ड लेंथ और ये जो सर्कुलर आर्क है यहाँ जो कर रहा है डिग्री, ये डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ आर्क लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ आर्क लेंथ। ध्यान रखिएगा दोनों में सेम आता है, आर इज इक्वल टू 1719 अपॉन डी, इसके लिए 30 मीटर के लिए, कॉर्ड या आर्क, या आर इज इक्वल टू 1146 या 4.1147 कहीं बोलते हैं, 46 पॉइंट समथिंग आता है अपॉन डी, ये किसके लिए 20 मीटर, कॉर्ड या आर्क। कुछ नहीं है, प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, इस यहाँ से ये डेल बाई टू, इसमें क्या करेंगे एक सिमिलरिटी लगा देंगे, ये रेडियस है तो टैन डेल बाई टू, ये आपका 20 हो जाएगा तो इसको 10 ले लेंगे, ये क्या हमारा ये साइन लगा दिया, टैन नहीं साइन लगेगा, साइन डेल बाई टू इज इक्वल टू 10 अपॉन आर, साइन डेल बाई टू क्या मान लेंगे स्मॉल एंगल के लिए, डेल बाई टू, डेल्टा बाई टू, जो डेल्टा बाई टू है ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, वैसे यहाँ भी
आपको पता है एस इज इक्वल टू आर डेल्टा, और ये डेल्टा किस में होता है, रेडियन में। इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में करेंगे, दोनों सेम आता है। तो हमारा ये कितना मीटर है, ये कितना मीटर है, 30 मीटर है, और रेडियस 300 है, 30 मीटर ये यूज करेंगे। तो 300 अपॉन 1719 अपॉन 30 सॉरी डी, तो डी इज इक्वल टू 5.73 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। आंसर क्या आ गया, ए। गॉट इट। तो इन सेशन वन पार्ट फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड फोर क्वेश्चंस। मेरा मकसद था फोर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना, मैं सो डैट कि मैं इसलिए आपको डेराइवेशन कराया, इस क्वेश्चन में भी क्या क्वेश्चन बन सकता है, वॉट इट, इस क्वेश्चन में भी क्या क्वेश्चन बन सकता है। सो दीज फोर क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड इन विथ ऑल इट्स कंसेप्चुअल बैकग्राउंड। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी आर कमिंग विथ सेशन वन पार्ट टू इन नेक्स्ट वीडियो। So let's wait and watch. Subscribe my channel if you like the channel. Or is tarah we are also coming with the thematic series on GATE and the series sessions on engineering service non-technicals. We will start with quality and material science. So after that, as soon as UPPSC sessions are over, we'll be coming with SSC JE sessions. So wait, watch and like the videos. Thank you very much.